व्हाट इज अप बॉयज एंड गर्ल्स, के हाल। तो जैसा तुम्हें पता होगा भैया, अपन ने अपने मेन चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जहाँ पर मैंने तुम लोगों से पूछा था कि क्या तुम लोगों को ट्रेनर अरीना का पीसी वर्जन चाहिए या फिर नहीं। एंड वेल, तुम में से काफी लोगों ने कहा यस, हमको चाहिए। तो वेल, इसीलिए अपन लोग इस चैनल पर आपसे न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनर अरीना की पीसी वाली। एंड वेल भैया, एक चीज और, जैसे ही भैया अपनी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, ये वाला अकाउंट में तुम में से ही किसी एक को दे दूंगा। तो या लेट्स स्टार्ट, है ना? बिल्कुल। एंड वेल, हेलो, व्हाट द हेल ब्रो, चलोगे आगे भैया जी? हेलो, अबे इसको क्या हो गया, लखवा मार के मेरे छोरे को भैया आते ही। वेल, मेरे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है और काय को हो रहा है, बट वेल अपन इसका कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। अभी के लिए अपने को पैट चूज करने की कह रहा है। एंड वेल भैया, मैंने ट्रेनर अरीना की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, तो मुझे पता है कि भैया ये लौंडा सबसे स्ट्रांग है। तो यस, आई चूज यू ब्रदर, आई चूज यू। यप, यू आर लुकिंग सो शानदार भैया। कसम से मोबाइल में खेलने में उतने अच्छे मजे नहीं आते थे, पीसी में भाई बहुत ही शानदार लग रहा है लिटरली, ठीक है। एंड उसके अलावा एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अपनी ग्राफिक्स को हाई कर लेता हूँ भैया। ऑलरेडी हाई है, ओके, नेवर माइंड यार, मुझे पता नहीं था। बट यार इसका मैं क्या करूं? A little later. Alright, तो वेल, मैंने थोड़ी बहुत भैया अपने कंट्रोलर्स की सेटिंग चेंज की है, एंड अब मेरे हिसाब से इसको परफेक्ट काम करना चाहिए। उम्मीद तो यही है ना, लेट्स सी। यस, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ओके ग्रेट, एटलीस्ट अब ये सही से चलेगा। हाँ ओके, तो अब इनमें से किसी को मुझे चूज वगैरह कुछ नहीं करना है, और इस यस, तेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, और मुझे पता है तो पहली फाइट हारेगा, क्योंकि हाँ, अगर पहली फाइट में अपने को भैया पछाठी देने वाले बंदे मिल गए ना, तो कोई बंदा नहीं खेलेगा, सारे पहली फाइट में बगलेंगे कि भैया यूको मजे चल रहे हैं हमारे साथ है। हाँ बिल्कुल, या खत्म है ब्रो, एक ही शॉट में खत्म है। अब ये नहीं हुआ, अबे उसने मुझे मारा है, मैंने उसको मारा, काउंटर अटैक। हाँ ओके, इसमें मर लेगा मेरे हिसाब से तू, है ना? वेल, लगा था मेरे को, या मेरे को लगा था ये सिंगल बैटल था, तो कोई दिक्कत ना है। एंड अपने ग्रे वुल्फ का, ग्रे वुल्फ वुल्फ भी नहीं भैया, वुल्फ नशे ही कुछ अद्भुत लेवल के हैं, क्या करें। ओके, इसको ले लेते हैं, अपग्रेडिंग पे ले लेते हैं, और इसको लेवल अप कर देते हैं अपन, शानदार। यप, और इसको साथ में भगाना भी पड़ेगा। यस, इसको हटा नहीं सकते ना, नशे हैं गेम के भैया, कछुना। और ठीक है, लेट्स गो, अपन इतनी जल्दी लेवल 7 के भी हो गए, कमाल है। एंड यहाँ घुसूंगा तो मुझे पैट मिलेगा, राइट? या पता था वो, देखो मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल में कैसे लगेंगी ग्राफिक, पीसी में भैया बहुत शानदार लग रहे हैं, ठीक है, नो डाउट पीसी में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और इस बंदे ने सीधा ही पकड़ लिया, मैंने सोचा फाइट वाइट होगी, बट चलो ये भी ठीक है। यप, एंड अब अपने को मिलेंगी फ्री की टिकट्स, राइट, गोल्डन टिकट, जिसकी मदद से अपन भैया मतलब उन्हें खोलकर अंडे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लेजेंडरी मिल जाए कोई, शायद मिलेगा, है ना? तो अगर मुझे भैया लिटरली पहले ही राउंड में बेस्वा थॉर्न मिल गई ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कलेश मचा दूंगा कसम से, ठीक है। ओके, 30 ड्रो में एक गारंटीड अपने को लेजेंडरी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर अपने को कुछ तगड़ा मिला तो ये अकाउंट रहेगा, अदरवाइज मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भैया एक तगड़ा बंदा चाहिए। या मुझे पता है मैं बावड़ा हूँ, बहुत ज्यादा बावड़ा हूँ, बट ठीक है ना, ऑलराइट, नॉट बैड। नेक्स्ट प्लीज। एंड ये केकड़े, ओके नॉट बैड एक्चुअली, ये छुरी अच्छी है। यस, ओके, पॉपल ना चाहिए, ओरा पूपा, ओ ओटेन इवान, ओ कहाँ मिल गया, और मेरे को मिला ही नहीं, और जबरदस्ती हो भाई मेरे नाम का बिल फाड़ दिया रामियों ने, ये क्या बात हुई है, हमको मिला ही नहीं और जबरदस्ती बिल फाट के हमारे नाम का कि मेरे को रिवार्ड मिल गया भाई, छोरे बिना मतलब में गालियां, ओ एक्चुअली मिला तो है यार। या
रिकॉर्डेड वॉइस रिकॉर्डेड एक्चुअली इवान मेरे को ऑलरेडी मिला था राइट इवान मेरे को शायद पहले भी मिल चुका है ना आई एम नॉट श्योर यार चलो जो भी हॉबी के लिए इसको अवेक कर लेते हैं अपन और इवान इज नॉट बैड ओके हाँ अपन इसको भी अपने साथ रख सकते हैं तो या स्टार्टिंग में जो भी हो ठीक है हाँ तू मैंने ले रखी है बहुत ही बर्बाद छोड़ी है ये कसम से ये बहुत ही बर्बाद छोड़ी है ठीक है हम इसको नहीं लेंगे हम इसको कतई नहीं लेंगे रेगुलर पैक के अंदर क्या है वेल एक्चुअली इसको मैं क्लेम कर लेता हूँ व्हाई नॉट एंड या ले लेते हैं कजारा है ठीक है हाँ यहाँ पर एक टिकट मिलेगी अपने को फ्री पॉकेट की पता नहीं ओके अपन एक काम करते हैं या ब्रो तू बहुत ही स्ट्रांग है मुझे बिलीव है तेरे पे ठीक है हाँ मुझे तेरे पे अच्छे से बिलीव है बट मैं अपनी टीम भेरंट वाली बनाऊंगा ठीक है मेपल नॉट बैड ओके अच्छा बनता है या ओके वाटर टाइप एक ग्राउंड टाइप एक फायर टाइप और एक ग्रास टाइप परफेक्ट टीम मेरे हिसाब से ओके परफेक्ट टीम हाँ मैं अपने वार्ड को अभी नहीं कर सकता वहां पर एटॉमिक्स क्या कर रहा ठीक है अवेक नहीं कर सकते बट लेवल अप तो कर सकते है ना हाँ मैं इसका लेवल अप कर देता हूँ और इसकी मदद से मैं सारे ही जिम मैचेस बड़े आसानी से जीत लूंगा ठीक है क्योंकि आई डोंट थिंक भैया इवांड के अगेंस्ट में कोई टिक पाएगा हाँ मेरे को बिलीव है ओके पैट लेवल कैन नॉट बी फार देन ट्रेनर अंडरस्टैंड ओके तो तेरे को भी खिला दू थोड़ा सा ठीक है चलते हैं और अब हाँ इनसे फाइट वाइट करनी पड़ेगी यार मुझे फाइट करनी है भाई क्या बात कर रहे हो भगूंगा थोड़ी यार क्या ओके सो मैन ये वाली फाइट मेरे को लिटरली अनफेयर लग रही है ठीक है क्योंकि इसके अगेंस्ट में लेजेंडरी वार्ड और ये क्या बोलूं उसके बारे में मैं ठीक है वन शॉट किल 174 का डैमेज और उस बंदे की हेल्थ भी नहीं थी इतनी मैं बहुत पापी इंसान हूँ यप मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ नाइस 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 ओके ठीक है हाँ अपन काफी स्ट्रॉन्ग है ठीक है ओके तो अब मैं चलता हूँ किसी और से फाइट करने में भी है ना वेल मेरे को पोकेमोन वगैरह नहीं पकड़ने एक्चुअली है ना यार यहाँ तो सारे ही पोकेमोन डीले डाले आते हैं ठीक है मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेनर वगैरह है वो एक्चुअली बंदा वहाँ रह गया ना ओह वेट एक्चुअली पहले मैं पीछे वाले से फाइट कर लेता हूँ देन उससे फाइट कर लेता हूँ ठीक है ओके तो इन दोनों से फाइट करने के बाद अपन चलते हैं जिम में A few moments later. दोनों बहन भाइयों को पेलने के बाद अब मेरा लेवल हो चुका है 16 एंड अब मैं फाइट करूंगा इस बंदे से कि मेरे को लग रहा है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास एक ये क्या मैंने सोचा था भैया एपिक कैटेगरी का जो बंदा होता ना वो है इसके पास तो ठीक ठाक फाइट करेगा बट ये तो ये स्क्रैच में ही निकल लेगा या उसका लेवल 9 है यार और उस बंदे से एक्सपेक्ट भी क्या करूंगा मैं ठीक है नेवर माइंड ये क्या है तो स्ट्रॉन्ग है मुझे पता है बट ये तो देख लेते ठीक है ये कोई काम का नहीं है हाँ देखो है उसके पास हाँ मुझे लगा था उसके पास होगा ठीक है यस बट ग्रास वाले वो फायर के अगेंस्ट में कमजोर होते हैं वेट पहला जिम अपना वाटर जिम है ना ओह ग्रेट भैया ये कौन सा मतलब विरोधाभास हो गया मेरे साथ है मतलब मेरा बंदा भैया एक फायर टाइप है जिसकी पहली फाइट है वाटर जिम में ठीक है नॉट बैड एक्चुअली है ना मैं इन लोगों को फटाफट सल्टा देता हूँ देन अपन चलते हैं जिम ट्रेनर से फाइट करने मोमेंट्स लेटर वेल मेरे हिसाब से भैया लेवल 23 इनफ होना चाहिए जिम बैटल के लिए राइट क्योंकि जहां तक मुझे याद है यहाँ के सारे जिम ट्रेनर जितना भी हाई लेवल की बात कर रहा हूँ मैं जितने भी हाई लेवल के जिम ट्रेनर है उनका लेवल होगा 22 असाइनमेंट ओके तो वेल ठीक है यहाँ तो अपन आराम से जीत जाएंगे और अपने पास तो भैया ओवर पावर रिवॉर्ड भी है तो आई डोंट थिंक कि अपन हारेंगे राइट एंड पहली फाइट अपनी इससे सीरियस गार्ड ओके होगा सीरियस तू आ जा मैदान में ब्रदर लेट्स सी कौन सीरियस है और कौन नहीं राइट हाँ और जहां तक मुझे याद है हर एक जिम ट्रेनर को हराने के अपने को वो भी मिलते हैं ना एक गोल्डन टिकट और मुझे लग रहा है ऐसा ठीक है लेट्स सी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और जैसे जैसे अपन इनको हराते जाएंगे अपना लेवल अप होता जाएगा तो या वी डोंट नीड टू गो शॉप राइट अपन यहीं से पेल पाल के बरी कर देंगे इनको और स्क्रैच हाँ तूने मेरे पे स्क्रैच किया मैं तेरे पे स्क्रैच करूंगा दैट्स इट और भैया ये वांड की बताऊं बेस्ट चीज क्या लगती है मेरे को हाँ अपने वजह से एक इलाइट टिकट भी मिलेगी और वाटर बॉल भी
नाइस, अच्छी बात है, या कोई लेजेंडरी मिलेगा आगे जाकर तो उसको कूटने में काम आएगा, बिल्कुल। एंड यहाँ पर अपन रिफाइंड कर सकते हैं, सबको पता है ना, बट मैं अपने वांड को बताऊं, ये दूंगा भैया मैक्स लेवल का कतई, क्योंकि इससे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो या मैं अभी अपने वांड को कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि कमजोर चीज देकर मैं उसको कमजोर करूंगा, जैसे मैंने अपनी अपनी साइकिक क्या क्या था उसका नाम, अपने आरसीएस और अपनी किलर क्वीन, हाँ इनको भी दिया था मैंने लो लेवल का और उनकी हालत खराब हो गई थी, वही गलती मैं यहाँ नहीं करना चाहता। एंड ये छोरा तो विषय मासूम सा है, ये तो ऐसे मर लेगा यार इसको, इस बेचारे ने क्या किया किसी का जो इसको हमारे बीच में भेज दिया तुमने यार, हैं? या उसमें आग लग चुकी है और वो बंदा तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है वे, मरे हुए को भी क्या मारूं, चल छोड़ जा, जीत तू अपनी जिंदगी, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ तो तुझे हारना पड़ेगा। एंड मेरा डैमेज देख रहे हो तुम कितना खतरनाक है भाई, मैं खा जाऊंगा, बट वॉटर बालों के अगेंस्ट फायर अटैक उतना पावरफुल नहीं होता, ठीक है, बट ठीक है कोनो दिक्कत ना आया, पर ऐसे भी फूक लेंगे इनको, या एंड अगर मैं इस पे स्क्रैच करता तो ये शेयर खत्म हो लेती, बहुत वैसे भी हो गई। One eternity later. एंड इसी के साथ मैंने इन सारे भाड़े के टट्टुओं का गेम बचा दिया है, अब बारी है भैया इस मेन बंदे से फाइट करने की। एंड मुझे पता है ये बंदा भैया अपने को खून के आंसू रुलवाएगा, हाँ क्योंकि उसके पास आर्टिकुनो होगा इसके पास, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि भैया लेवल 30 का वाटर जिम लीडर है, तो जिम लीडर के पास भैया ऑब्वियसली बात है तगड़े पोकेमोन होंगे, बट वी आर ऑल्सो पोकेमोन में तगड़े, ओके अपने पास भी लेजेंडरी वांड है, तो अब बैटल होने वाला है भैया लेजेंडरी वर्सेस लेजेंडरी का। वेल केसी माय लव, तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की, ठीक है, बट वेल तुम हमारे सामने उतनी पावरफुल नहीं हो, तो तुम्हें जाना होगा। एंड अब आ रही है भैया आर्टिकुनो की, ओसिडोन या ओसिडोन, हाँ तो ओसिडोन का लेवल है 30 और मेरा लेवल है 27, बट फिर भी मेरी हेल्थ उससे ज्यादा है, बस मत पूछना क्यों, ठीक है, बट उसके पास भैया एडवांटेज है क्योंकि वो एक वाटर टाइप है और मैं एक फायर टाइप हूँ, तो एक्चुअली मेरे को अपने आप को हील कर लेना चाहिए, ठीक है, हाँ मेरे पास है हीलिंग तो मैं कर सकता हूँ, या बिल्कुल नाइस, ओके अपन फुल हील हो चुके हैं। एंड इसी के साथ ओके तबड़ा अटैक किया उस छोरे ने, बट उसमें आग लग चुकी है, एंड वेल अब मैं उसमें अगर फायर पंच दूंगा, सॉरी लावा पंच दूंगा, तो उसमें तगड़ा डैमेज मिलेगा, है ना, ओके 285 एंड ये बंदा खत्म, या ये बंदा लिटरली खत्म, बे मजाक कर रहे हैं क्या हम, और अब अपन हो चुके हैं लेवल 30 के, हाँ तो इक्विप यस, और अपने को ये भी मिल चुके हैं, एंड अब अपने पास टोटल टिकट हो चुकी है 10 ये ना, हाँ और यहाँ पर करने के बाद अपने को 3 और मिलेंगी, एंड उसके अलावा 20 पे गारंटीड एक बंदा मिलेगा, यानी अगले एपिसोड में भी अपने को एक और लेजेंडरी मिलेगा, बॉय नाइस। नॉर्मल कितनी टिकट है मेरे पास, 35 और मेरे पास 14 है, मैंने अभी अभी गौर किया, यस बॉयज अगले एपिसोड में एक और लेजेंडरी मिलेगा अपने को, हाँ मैं यहाँ इस वाले मैप में नहीं खोलूंगा, क्योंकि यहाँ खोलूंगा तो वही नॉर्मल टाइप के बंदे मिलेंगे अपने को, मैं इसको अगले एपिसोड में अगले मैप के अंदर ओपन करूंगा, देन हो सकता है अपने को कोई तगड़ा सा बंदा मिल जाए, बट वेल आज के एपिसोड को मैं यही पे ओवर करूंगा, अपन ने पहला जिम डिफीट कर दिया है और अपने को वाटर बैच मिल चुका है, बट वेल आज के लिए इतना ही, उम्मीद है तुम सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, एंड मिलते हैं जल्दी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए।